नमस्कार, आपके अपने ऑनलाइन स्टूडियो टारगेट के ताल्लुक से मैं रवि तिवारी। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा को लेकर लगातार अपडेट आप लोगों को कमीशन की तरफ से मिल रहे हैं। नए अपडेट्स में जैसे कि आपको मालूम है कि 25 से 30 दिन का समय शेष है। आज मैं इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर आपसे बात करूंगा और नोट्स के रूप में कुछ अमूल्य सामग्री आप लोगों को प्रदान करूंगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में चयन के और नजदीक आ सके। टारगेट बेतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा समर्पित रहा है ऐसे सभी छात्र छात्राओं और सदस्यों की सहायता के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं। भले वो हमारे बैच के सदस्य ना हो, उन्होंने एडमिशन ना लिया हो, लेकिन फिर भी हम लगातार किसी भी परीक्षा से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां प्रदान करते रहते हैं। इसी क्रम में आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की किसी भी एग्जाम में। आज करंट अफेयर्स के मैंने जो भी नोट्स जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाए हैं, आज मैं आप लोगों को वो सभी नोट्स समर्पित कर रहा हूं, वो आप लोगों को दे रहा हूं। केवल ये नोट्स जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए ही उपयोगी हैं और उसी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आप लोगों को बाजार से तरह तरह की मैगजीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पत्र पत्रिकाएं खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना नोट्स मैं आपको दे रहा हूं वो नोट्स सफिशियंट है। अभी मैं इस पूरे नोट्स के बारे में आपसे चर्चा करता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि रणनीति क्या है। हमारे यहाँ जूनियर असिस्टेंट से संबंधित बैच संचालित हो रहा है। जब हम ये बैच को लेकर आए थे तो आप लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भरोसा किया। लगभग 2 से 2500 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। उनको बाकायदा करंट अफेयर्स से लेकर सारी क्लासेज मिल रही है और उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना जूनियर असिस्टेंट के लिए आवश्यक है। अनवरत रूप से आपकी कक्षाएं चल रही हैं और ये कक्षाएं 22 तारीख तक हम लोग चलाएंगे और 22 तारीख को इस बैच को ओवर करेंगे। मतलब अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पुरानी पूरी कक्षाएं और सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप एक क्रम बनाकर आगे की कक्षाओं को भी कर सकते हैं। लगभग लगभग जो है, अगर देखें तो 22 नवंबर तक अगर ये कक्षाएं चलती हैं तो परीक्षा जो आपकी है वो 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को संभावित है और प्रस्तावित है, और आयोग 8 और 15 के इसकी तारीखों को लेकर इस पर तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग हमारे पास मैसेज करते रहते हैं कि कैसे आपको जुड़ना है। सामने आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको जुड़ना है। सामने आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं 8112378577। ये जो है जूनियर असिस्टेंट का नंबर है। आप व्हाट्सएप पर एंट्री जे लिखकर भेज दीजिए और हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी, आप हमारे जूनियर असिस्टेंट बैच में जुड़ जाएंगे। प्रवेश लाइन खुली हुई है, आप अभी भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित करा के लाभ ले सकते हैं। बैच में सारी चीज, सारे नोट्स को डिस्कस करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस बात पर जिसके लिए आज का मैंने आपको वीडियो बनाया। जो हमारे जो है बैच के सदस्य, उन सभी सदस्यों को सभी नोट्स मिल गए हैं, उनको सारे नोट्स हम लोगों ने भेज दिए हैं, करंट के नोट्स भी उनको भेजा चुके हैं। लेकिन चूंकि सहायता के क्रम में हमेशा आप लोगों ने हम लोगों का सपोर्ट किया है और आप लोग हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो है कुछ चीजों में आप लोगों का ध्यान रखें। तो देखिए, आज आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाएंगे तो पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, पुस्तकें, पुरस्कार, वर्ण रिपोर्ट, जनगणना, सूचकांक, दिवस और सप्ताह, इतना ही आपको पढ़ना है क्लियर जूनियर असिस्टेंट के लिए। और ये पूरा पिछले 8 मंथ का तैयार करके अपडेट किया गया है, और ये जो है आपका ये नोट्स है, ये लगभग लगभग 20 अक्टूबर तक का नोट्स है जो 20 अक्टूबर तक की घटनाओं को आपकी कवर करता है। इसका मतलब है इसके बाद मैं आप लोगों को एक और नोट्स प्रदान करूंगा कुछ दिन बाद, जो पूरे नवंबर को समाहित किए हुए होगा। तो अगर आप इस नोट्स को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। करंट और यूपी स्पेशल का जो मामला है वो आपका पूरा सा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, सदस्यों, मेरे छोटे बहन भाइयों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और नोट्स को आप डाउनलोड करके जाइए और उसका पीडीएफ आप फॉर्म जो है प्रिंट आउट उसका ले लीजिए, और प्रिंट आउट लेने के बाद आप अच्छे से इसकी पढ़ाई को प्रारंभ करिए। कहीं भी आपको मार्केट में महंगी महंगी मैगजीनों भटकने की जरूरत नहीं है, यहां से आपके जूनियर असिस्टेंट का करंट का सिलसिला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यह और बता दूं कि अंतिम समय में आपको क्या करना है। देखिए,
अब जो समय बचा है उसमें जैसे हमारी टीम आपको लगातार जो है क्लासेज में करा रही है, प्रश्न अभ्यास और रिवीजन बहुत जबरदस्त करना है, क्लियर। तो इस बार के जो बैच पढ़ाने का हमारा क्रम है वो और बैच से बिल्कुल अलग हो गया है। जो सदस्य पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, इस बार के बैच को हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो डेली टू डेली 7 से 8 विषयों की आपकी प्रैक्टिस भी 2-3 घंटे में होती है और प्रैक्टिस के साथ भी आपका वो चैप्टर भी पूरा हो जाता है। तो आप अगर घर पर स्वयं से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रश्न अभ्यास और रिवीजन करिए, क्योंकि ये सरलतम परीक्षा है। जैसे मैंने लिखा, ये सरलतम तरीका है और सरलतम परीक्षा है क्योंकि यहां पर अंग्रेजी और गणित की बाध्यता नहीं है। हालांकि कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे एज रिलेशन है, आपका सरलीकरण है, वो गणित के आते हैं, वो मैंने रीजनिंग में ही आप लोगों को कंप्लीट कराए हुए हैं बैच में। बाकी जो लोग स्वयं से पढ़ रहे हैं वो गणित के 2 टॉपिक्स को जरूर देख लेंगे, एक तो एज रिलेशन को देख लेंगे और दूसरा सरलीकरण को देख लेंगे और DI को देख लेंगे। ये 3 टॉपिक आपके गणित के पढ़ने हैं आपको। भले गणित आपके सिलेबस पर नहीं है लेकिन ये 3 टॉपिक आपके लगातार आपसे पूछे जाते रहे हैं। स्तर आपको बहुत कठिन स्तर का नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई नॉलेज का इतना बड़ा सर्किल है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इतने बड़े सर्किल में से इस जूनियर असिस्टेंट के क्लर्कल कैडर की परीक्षा के लिए इतना ही आपका काम का है। तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं कि कितना आपको पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। मेरे ख्याल में वर्तमान कंपटीशन के दौर में ये आसानतम परीक्षा है जिसको आप देने जा रहे हैं। अगर इसमें आप चयन नहीं ले पाए तो ये जो है एक बहुत बड़ा मौका आप अपने हाथ से गंवा देंगे। तो अभी भी आप व्यवस्थित हो जाइए क्योंकि 20-25 दिन की परीक्षा ही है, इससे ज्यादा इस पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो जो लोग स्वयं से पढ़ रहे हैं वो पुराने साल के पूरे जूनियर असिस्टेंट के पेपर लेके इसका आकलन कर सकते हैं कि आपको इतिहास भूगोल विज्ञान में बहुत नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में बहुत नहीं पढ़ना है, बल्कि स्पेसिफिक चैप्टर और टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आते हैं हिंदी के, रीजनिंग के और GS के, आपको वही पढ़ना है जहां पर रीजनिंग और हिंदी आपकी क्या है, रीजनिंग और हिंदी आपकी क्या है, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी अमृतसर बैच में खत्म कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सिलेक्टेड वीडियो में हिंदी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उन्होंने प्रैक्टिस भी पूरी आपको करा दी है। तो कोई सदस्य अगर अभी भी हमारे बैच से जुड़ता है तो भी वो 15 दिन की क्लास अगर एक एक हिंदी की भी देखे तो भी वो 25 तारीख को अपनी क्लासेज को खत्म कर सकता है। रीजनिंग की भी कमोबेश यही स्थिति है। आइए स्तर सरलतम तरीका, सरलतम तरीके से हम आपको बता भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और हमें आपको बताया कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, चीजों को कैसे आपको तैयार करना है, क्लियर। परीक्षा उपयोगी सामग्री, अब ये नोट्स जो हम लोगों ने आपको बैच में भेजे हैं वो बनलाइनर के रूप में जबरदस्त नोट्स हमने GS के भेजे हैं जहां से आपके प्रश्न पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, लगभग आ जाएंगे। आपको बहुत मोटी मोटी और बृहद किताबें पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं है। परीक्षा उपयोगी जूनियर असिस्टेंट के लिए आप पढ़िए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। जैसे इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं रीजनिंग में कि कैसे 2 सेकंड में आपको जूनियर असिस्टेंट के, 3 सेकंड में आपको जूनियर असिस्टेंट के प्रश्न हल करने हैं। अमृत सर आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे देखते ही आपके प्रश्न को हल करना है। शेखर सर आपको ये बता रहे हैं कि कैसे ही आप देखते हैं और कैसे आपको मेमोराइज करना है चीजों को। संदीप सर आपको ये बता रहे हैं कि सरलीकरण में ऑप्शन से कैसे प्रश्न को चेक करना है और एज रिलेशन के कितने स्तर के प्रश्न आपके बनेंगे। तो हम लोग लगातार पेपर के हिसाब से, चूंकि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न हल करने हैं, तो हम पेपर के हिसाब से लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको इस परीक्षा को डिकोड करना है। तो हमारी तैयारी पूरी है। सहायता के रूप में आप सभी लोगों के लिए हम करंट के पूरे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं। आप लिंक में जाकर डाउनलोड करें, पूरे करंट को पढ़ें। करंट की जिम्मेदारी, 10 से 15 प्रश्न आपको इन नोट से मिलेंगे। यूपी स्पेशल और करंट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले क्रम में जब हम आएंगे तो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको कहेंगे कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्लियर। तो ये नोट्स आप डाउनलोड करिए और हमारे इस प्रयास के लिए, संस्था के इस प्रयास के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि नोट्स का स्तर आपको कैसा लगा, ये नोट्स आपको कैसे लगे। इसके अगले क्रम में मैं आपको करंट अफेयर्स के 500 प्रश्न यूपी से
और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूरे परिदृश्य 500 प्रश्न और दूंगा, जहां पर आपके बहुतायत प्रश्न फंसने की गारंटी रहेगी। यहां पर देखिए करंट का जब भी मैंने आपको प्रश्न दिया है किसी भी परीक्षा के लिए, लगभग लगभग प्रश्न आपके वहां से आए हैं, तो जूनियर असिस्टेंट में भी ये होगा। दिसंबर के दूसरे या तीसरे संडे को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, कमीशन ने इस पर तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी भ्रामक स्थिति से आप बिल्कुल बचें और पढ़ाई लिखाई पर अपना जोर दें। ये जो मौसम है ये पढ़ने के लिए सबसे शानदार मौसम आपका होता है, तो सारे प्रयासों को अच्छे से एकदम जुट जाए। करंट की जो आपकी गैपिंग थी उसको मैं पूरा कर दिया हूं। किसी और चीज की आपको अगर जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बताएं कि सर हमें इस चीज की जरूरत है, हम निश्चित रूप से आपकी उस चीज को पूरा करेंगे। जो सदस्य बैच से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। जो सदस्य आज भी जुड़ना चाहें उनके लिए अभी भी पर्याप्त समय है, आप जुड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और हम लोग अलग से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हमेशा बैच में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, है ना। बैच से जुड़ने की प्रक्रिया में एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ये आपका नंबर है 8112378577। आप व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव करके एंट्री जे लिख दीजिए या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हमारे चल रहे हैं, हमारे जो है यहां पर सदस्यों के नंबर है, उन नंबर पर डायरेक्ट फोन करके आप अपने किसी भी प्रकार के संदेह को दूर कर सकते हैं और आप कॉलिंग करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। क्लियर। शायद ये अंतिम मौका है प्रवेश का, क्योंकि इसके बाद ना तो इतना समय रहेगा और ना हम लोग इतना मौका दे पाएंगे आपको कि आप इन चीजों को पूरा कर सकें। क्लियर। तो फ्री नोट्स को डाउनलोड करिए, परीक्षा उपयोगी सबसे सटीक नोट्स है। आप पहले तो उनको अच्छे से डाउनलोड करें, बताएं मुझे नोट्स कैसे है, किसी और चीज की जरूरत है तो और चीज को भी बताएं तो हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। सभी सदस्य जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं टारगेट मुताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी तैयारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पुरजोर प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी को अंतिम रूप दे सके और अगर जो भी चीजें जरूरी होंगी, प्रश्नोत्तर अलग अलग चीजें, हम लगातार आपको प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच।